Video number 13, Econometrics, a practical approach using data. आज का टॉपिक है वर्कशॉप ऑन सिंपल लीनियर रिग्रेशन. जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए, आर स्क्वेयर कैसे कैलकुलेट होता है, रूट मीन स्क्वेयर एरर कैसे कैलकुलेट होता है, आपके पास टी स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, रोबस्ट स्टैंडर्ड एरर्स क्या होते हैं, स्कैटर प्लॉट जो पहले हम थोड़ी सी डिस्कशन पिछली वर्कशॉप में कर चुके उसको दोबारा से हम देखेंगे. तो ये वाली जो वीडियो है दिस इज यूजिंग स्टेटा, इसी की बिल्कुल यही चीजें हम कवर करेंगे वीडियो नंबर 14 में यूजिंग आर. तो चॉइस आपकी अपनी होगी कि आपने क्या करना है. एज आई मेंशन्ड अर्लियर दैट वी हैव दिस इज स्टेटा रिजल्ट विंडो, दिस इज लास्ट कमांड रिकॉल, दिस इज योर कमांड विंडो, दिस इज योर वेरिएबल विंडो. तो यू कैन एक्सपोर्ट डेटा, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल, और यू कैन हैव स्टेटा फाइल एक्सटेंशन dta.dogtravel@apple. तो dta, तो बेसिकली इस वक्त हम एक्सेल से इंपोर्ट कर रहे हैं, देखते हैं हमारे पास. अच्छा, उससे पहले हमेशा याद रखिए कि आपकी वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है. आपकी वर्किंग डायरेक्टरी में जाके सारे रिजल्ट स्टोर होने हैं, तो आप अपनी वर्किंग डायरेक्टरी को जरूर देखिए कि आपकी वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है. इस वक्त फॉर कन्वीनियंस मैं वर्किंग डायरेक्टरी डेस्कटॉप रख रहा हूं, तो इसका मतलब मेरे सारे रिजल्ट डेस्कटॉप पे होंगे. तो यहां पे मैंने फाइल को इंपोर्ट कर रहा हूं, एक्सेल की फाइल इंपोर्ट करते हैं. कैलिफोर्निया स्कूल डेटा है. रिसर्च क्वेश्चन हमारा है कि क्या क्लास साइज कम करने से टेस्ट स्कोर इंप्रूव होता है या नहीं होता. तो ये मेरे पास कैलिफोर्निया स्कूल डेटा, इसको मैंने जहां पे जिस डायरेक्टरी में आपके पास पड़ा था, इंपोर्ट फर्स्ट रो एज वेरिएबल्स, क्योंकि पहली रो जो है वो वेरिएबल्स के तौर पर है. तो ये देखिए यहां पर कोई चीज नहीं है, लेकिन जब मैं इसको ओके करूंगा तो यहां पे आपको बहुत सारे वेरिएबल्स डिस्प्ले हो जाएंगे. वेरिएबल नेम शॉर्ट रखें, लेबल जो है इसको आप जितना लॉन्ग रखना चाहते हैं रख लें. एट द मोमेंट हम सिर्फ दो वेरिएबल्स को डील कर रहे हैं, तो इसलिए मैं सिर्फ दो वेरिएबल्स यहां पे रख रहा हूं, कीप टेस्ट स्कोर str स्टूडेंट टीचर रेशियो. तो देखिए सिर्फ दो वेरिएबल्स रह गए हैं. फिर अगले वाली जब हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन देखेंगे तो वहां पे वी कैन हैव मोर देन टू वेरिएबल्स. तो सबसे पहले हमने स्कैटर प्लॉट लास्ट टाइम भी देखी थी, तो हम अगेन देख सकते हैं स्कैटर प्लॉट ग्राफ, टू वे स्कैटर प्लॉट क्रिएट. तो आपके पास वाई वेरिएबल जो है वो टेस्ट स्कोर है और एक्स वेरिएबल जो है वो स्टूडेंट टीचर रेशियो है. अगर आप सबमिट करेंगे तो ये आपकी कमांड लाइन जो है, ये जो कमांड विंडो है ये ओपन रहेगी, ये स्कैटर प्लॉट आपके पास बन गया. अगर आप एक्सेप्ट कर लेते तो दिस इज योर स्कैटर प्लॉट. वी क्लोज दिस विंडो, वी क्लोज दिस वन, वी क्लोज दिस वन. तो अगर आप इसको, ये देखिए लास्ट कमांड रिकॉल, तो ये अगर आपको जब कमांड्स याद हो जाएंगी तो देन यू डोंट नीड टू गो टू ग्राफिक्स एंड टू वे, देन आप इसको डायरेक्टली यहां पर टाइप करेंगे, यू विल गेट द रिजल्ट्स. अब देखिए सबसे पहला जो काम हम कर रहे हैं वो है सिंपल लीनियर रिग्रेशन यूजिंग स्टेटा. तो देयर आर टू वेज, एक मैं यहां पे लिख दूं रिग्रेस, तो स्टेटा को पहले चार लेटर्स, तीन लेटर्स, दो लेटर्स बताते हैं तो उसको समझ आ जाती है. एक ये है कि मैं यहां पे लिख दूं रिग्रेस टेस्ट स्कोर ऑन स्टूडेंट टीचर रेशो. दूसरा वे ये है, जिन लोगों ने कभी नहीं यूज किया हुआ, स्टेटिस्टिक्स लीनियर मॉडल्स लीनियर रिग्रेशन डिपेंडेंट वेरिएबल टेस्ट स्कोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रिग्रेसर्स स्टूडेंट टीचर रेशियो. आपने कोई और वेरिएबल के लिहाज से देखना था, नहीं देखना था, तो यहां पे देखिए एक चीज आ रही है स्टैंडर्ड एरर्स रोबस्ट. अब जब आप रोबस्ट, यहां पे अभी रोबस्ट नहीं है, तो मैंने ये कहा था कि हेट्रोस्कडास्टिक करेक्टेड स्टैंडर्ड एरर्स के लिए अगर आप रोबस्ट कह देंगे तो रिजल्ट्स जो है वो आपके पास चेंज हो जाएंगे. ये देखें वो कहता है बेस्ट फॉर होमोस्कडास्टिक, बेस्ट फॉर हेट्रोस्कडास्टिक, तो डिफॉल्ट में एन ओवर एन माइनस के है. तो ये अभी हम इस वक्त कुछ भी नहीं कर रहे, अभी हम डिफॉल्ट के साथ रह रहे हैं. लेट्स से ओके. तो आप देखिए तो कमांड मेरे पास क्या बनी है, रिग्रेस टेस्ट स्कोर ऑन स्टूडेंट टीचर रेशियो.
दीज आर योर एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वेयर्स आर सम ऑफ स्क्वेयर्स ड्यू टू रिग्रेशन. दीज आर सम ऑफ स्क्वेयर्स ड्यू टू एरर रेजिजुअल्स. दीज आर योर टोटल सम ऑफ स्क्वेयर्स. तो ये मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था टोटल सम ऑफ स्क्वेयर्स क्या है. ये हमेशा सेम रहेंगे, लेकिन जब आप यहां पे वेरिएबल स्टूडेंट टीचर रेशियो और वेरिएबल्स डालेंगे तो ये दोनों SS मॉडल और SS रेजिजुअल्स चेंज होते रहेंगे. अब अगर आप देखें तो आर स्क्वेयर क्या होता है. आर स्क्वेयर होता है बुनियादी तौर पे कि आपके पास जो है वो सम ऑफ स्क्वेयर्स ड्यू टू रिग्रेशन डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्क्वेयर्स ड्यू टू टोटल सम ऑफ स्क्वेयर्स. Divided with total sum of squares. तो आप देखिए ये वही आ गया 0.0512 जो यहां पे 0.0512 था. रूट मीन स्क्वेयर एरर. तो हमने कहा था कि आपके पास सम ऑफ स्क्वेयर्स ड्यू टू एरर उसका स्क्वेयर रूट. तो यहां पे हम कमांड अपनी यूज कर लेते हैं. एक्सेल में भी SQRT होती है. स्क्वेयर रूट डिवाइडेड बाय 420 ऑब्जर्वेशंस हैं. दो पैरामीटर्स एस्टिमेट हुए हैं. तो अगर आपको स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करना है तो 418 से डिवाइड कर दें 2 डिग्री, या 420 से करेंगे तो रूट मीन स्क्वायर एरर आ जाएगा. 418 से करेंगे तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन आ जाएगा. तो 18.53 रूट मीन स्क्वायर एरर शुड बी, ये स्टैंडर्ड एरर है. रूट मीन स्क्वायर एरर 18.58 होगा. ओके अब आपके पास इसी तरह से आप देखिए तो यहां पे ये कोएफिशिएंट आ गया -2.28. इसको इसके स्टैंडर्ड एरर से डिवाइड किया तो टी स्टैटिस्टिक्स आ गई -4.75. तो आपके पास 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल इसके लिए आ गया -3.22 -1.33. तो इसमें जीरो कवर नहीं हो रहा. मीन स्टूडेंट टीचर रेशियो का जो कोएफिशिएंट है वो जीरो नहीं है. अगर जीरो इस कॉन्फिडेंस इंटरवल में कवर हो जाता तो हम कहते कि हमारे पास जो है वो स्टूडेंट टीचर रेशियो का कोएफिशिएंट जो है वो जीरो है. इसका इंपैक्ट नहीं है ऑन टेस्ट स्कोर. कॉन्स्टेंट को एट द मोमेंट हम कुछ नहीं कह रहे. पी वैल्यू इज लेस देन 0.00, सो देयरफॉर हम ये कह रहे हैं कि वेरी हाई प्रोबेबिलिटी के डेटा अंडर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जनरेट हुआ है इंस्टेड ऑफ अंडर नल हाइपोथेसिस. सो देयरफॉर वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. अब इससे अगले वाली बात हम देखते हैं. इसी तरह से अगर आप चाहें तो आप ये जो है वो फिट करना चाहें लाइन फिट स्कैटर प्लॉट पे तो देर आर डिफरेंट वेज. प्लॉट से भी कर सकते हैं. यहां पे टू वे स्कैटर टेस्ट स्कोर STR. इससे तो ग्राफ बन जाएगा. ये दो आप वर्टिकल लाइंस L फिट टेस्ट स्कोर लीनियर फिट आप लगा रहे हैं एंड स्टूडेंट टीचर रेशो. तो ये आपके पास फिटेड लाइन के साथ ग्राफ आ गया. दिस रेड लाइन इज योर फिटेड लाइन. व्हाट एल्स. ओके अगर आप यहां पे लिखें टेस्ट STR तो आप ये कह रहे हैं कि इसका कोएफिशिएंट इक्वल टू जीरो टेस्ट कर दें. तो टी स्टैटिस्टिक्स 4.75 थी. एफ स्टैटिस्टिक्स टी स्क्वायर होती है तो दैट इज 22.58. एग्जैक्टली वही हो रही है जो यहां पे है. तो पी वैल्यू इज वेरी स्मॉल. सो देयरफॉर ये आप देखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर स्क्वायर स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन और ये सारे फाइनल थिंग. अब देखिए हमने ये कहा था कि चाहे डेटा होमोस्कडास्टिक हो चाहे डेटा हेट्रोस्कडास्टिक हो आपने हमेशा हेट्रोस्कडास्टिक करेक्टेड स्टैंडर्ड एरर्स यूज करने हैं. तो यहां पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग जो है वो दिस इक्वेशन आई एम गोइंग टू यूज हेट्रोस्कडास्टिक करेक्टेड स्टैंडर्ड एरर्स. तो यहां पे जस्ट वही REG पूरा रिग्रेस भी लिख सकता था. टेस्ट स्कोर STR R लिख देंगे तो रोबस्ट आ गया. तो आप देखेंगे कि पहले वाला पार्ट जो है ये नहीं आएगा. ये वाला जो पार्ट है ये डिस्प्ले नहीं होगा. मैं दोबारा से पहले इसको दोबारा से डिस्प्ले करता हूं ताकि रिजल्ट विंडो में ये ओपन रहे. ये देखिए इस कमांड पे मैंने क्लिक किया तो यहां पे मैं R लिख रहा हूं कॉमा R. लुक हियर इसको ये तो पहले वाला पार्ट तो डिस्प्ले नहीं होगा. लुक हियर ये -2.27 -2.27 देयर इज नो चेंज.
698.933 नो चेंज। चेंज क्या होनी है? स्टैंडर्ड एरर्स में। तो यहां पे देखिए स्टैंडर्ड एरर इस कोएफिशिएंट का क्या आया 0.47, लेकिन जब आपने रोबस्ट स्टैंडर्ड एरर्स यूज किए हैं तो जो हेटरोस्कडास्टिसिटी की वजह से करेक्शन होनी थी वो यहां पे हो गई। इसका मतलब है आपकी टी स्टैटिस्टिक्स में जो हम ये कह रहे थे टाइप वन एरर आने के चांसेस हो जाएंगे वो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमने हेटरोस्कडास्टिक करेक्टेड स्टैंडर्ड एरर्स यूज कर लिए और पी आपके पास जो है वो बाकी हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स देख ली, आर स्क्वायर देख लिया, रूट मीन स्क्वायर एरर देख लिया, स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन को देख लिया। तो बेसिकली दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट सिंपल लीनियर रिग्रेशन। द कॉन्सेप्ट्स वी हैव कवर्ड सो फार वी हैव ट्राइड टू डेमोन्स्ट्रेट इन प्रैक्टिस व्हाट आर दोज कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट मेरी जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए होगी जो कि आर के थ्रू करना चाहते हैं। एक चीज याद रखिए कि डेटा विजुअलाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्यों? क्योंकि फिशर और जब ये पूरे वो अर्ली 20th सेंचुरी के जो लोग थे उनके पास आप जितनी कंप्यूटेशनल फैसिलिटीज नहीं थी, इसलिए वो डेटा को सिर्फ एक से दो नंबर से समराइज करते थे। नो यू हैव ऑल दोज फैसिलिटीज, यू कैन हैव अ ग्रेट विजुअलाइजेशन ऑफ योर डेटा एंड यू कैन हैव फार मोर इन डेप्थ अबाउट डेटा देन जो कि आपके पास जो फिशर और वो लोग थे उनके पास थी। तो कीप ऑन वॉचिंग, अगले वीडियो होगी आर स्क्वायर आर के थ्रू और उसके बाद हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स पे जाएंगे जब आप जो है वो अदर फैक्टर्स जो टेस्ट स्कोर को अफेक्ट कर रहे हैं उनका क्या रोल